हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। भीनमाल के भाजपा की जिला स्तरीय बैठक रविवार को स्थानीय पंचायत समिति सभा भवन, विशेष योग्यजन आयुक्त धन्नाराम पुरोहित, उपमंत्री भूपेंद्र देवासी, सांसद देवजी पटेल, जिला प्रमुख बन्ने सिंह गोहिल, भाजपा जिला अध्यक्ष रविंद्र सिंह बलावत, उप प्रमुख गिरधर कुंवर, पूर्व मंत्री जोगेश्वर गर्ग, भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश के उपाध्यक्ष राव श्रवण सिंह बोरली, भीनमाल विधायक पुराराम चौधरी, रानीवाड़ा विधायक नारायण सिंह देवल, आहोर विधायक शंकर सिंह राजपुरोहित, तारा भंडारी व पूर्व विधायक जीवाराम चौधरी की मौजूदगी आयोजित हुई, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव में पुनः भाजपा का परचम फहराने को लेकर मंथन के बाद रणनीति तय की गई। इस अवसर पर सांसद देवजी भाई पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं और राष्ट्रहित की नीतियों के माध्यम से पूरे देश में भाजपा के प्रति विश्वास बढ़ा है। उसी की बदौलत प्रदेश में पुनः भाजपा की सरकार बनेगी। आने वाली सरकार में जालौर सिरोही से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों को पूरी ताकत झोंकने का आह्वान किया। जिला अध्यक्ष रविंद्र सिंह बालावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गत माह जयपुर में आयोजित पीएम लाभार्थी कार्यक्रम के बाद प्रदेश का माहौल बदल गया है। हर आम व खास लोगों के मुंह पर भाजपा के पुनः सत्ता में आने की चर्चा जोर पकड़ रही है। बालावत ने कहा कि भाजपा के पक्ष में दिनों दिन माहौल मजबूत होता जा रहा है। बालावत ने सीएम द्वारा आयोजित राजस्थान गौरव यात्रा, सांसद उप यात्रा, बूथ विस्तारक योजना, तिरंगा यात्रा व प्रत्येक विधानसभा में आयोजित 7-7 सम्मेलन को सफल बनाने का आह्वान किया। भीनमाल से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।